हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आज आपके लिए लेकर आया कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के कुछ ऐसे प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज के सवाल। आज का हमारा जो सवाल है, भारत हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इसमें, या अगर कल की कड़ी से हम जोड़े तो हमारा तीसरा प्रश्न, ठीक है। हमारा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणन खंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 17, 23, 29 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो जो संख्याएं दी गई है इन संख्याओं के हम गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 17 दिया है ना। हम 17 के गुणनखंड निकाल लेंगे। हम जानते हैं 17 के, वो 17 की टेबल में आते हैं, तो 17 एकम 17। फिर हम 23 का निकाल लेते हैं, 23 कौन कौन सी टेबल में आता है, तो 23 केवल 23 की टेबल में आता है, तो 23 एकम 23। फिर हम 29 का निकालते हैं गुणनखंड, 29 भी केवल 29 की टेबल में आते हैं, तो 29 एकम 29। इस प्रकार से हमने देखा कि भाई 17 के हमारे जो गुणनखंड है, 17 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, 17 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या आए 17, है ना। और लास्ट में जो एक बचा वो लिखते, फिर 23 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितने आए 23, लास्ट में एक, फिर 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो 29 गुणित 1 लिया। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, एलसीएम भी पूछा है और एचसीएफ भी पूछा है ना। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमने यहां लिखा कि 17, 23 व 29 का एचसीएफ। देखो इन तीनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है आपको, केवल एक ही सेम है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी सेम नहीं है। एक सेम है, इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, एक हो गया। दूसरा क्या पूछा था, एलसीएम, तो 17, 23 व 29 का एलसीएम। इसका एलसीएम देखो क्या क्या आएगा, तो ये 17 गुणित 23 गुणित 29, हम इनका तीनों का गुणा कर देंगे। जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,339, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया ये, तो हमारा एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 11,339। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, वैसे सवाल सरल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है हमारा, HCF कोष्टक में 306 657, यानी ये दो संख्याएं हैं, इसका HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 9। तब
अगर इन दोनों संख्या का एलसीएफ 9 है तब आपको एलसीएम बताना है, किसका, इन दोनों का, 306,657। ज्ञात कीजिए यानी कि इनका एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है हमको क्या दिया है, हम लिख देते कि हमको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है किसका, 306 और 657 का, कितना दिया है, 9 दिया है, ये हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने का एक फार्मूला होता है, एन वन गुणित एन टू बटे एच सी एफ। ओके, तो एलसीएम तो सेम, एन वन मतलब पहली संख्या, एन टू यानी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया है, 306, तो हमने ये लिख दिया 306 गुणित एन टू कितना है, एन टू मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितने दिए, 657। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हम क्या करेंगे, 9 से इस संख्या को काट देते हैं, 9 से इसको काट देते हैं, 9 + 27 कितने बच गए, 3 = 36 हो गए, 9 + 36 यानी बचे कितने, 34 × 657। अब हम 34 का 657 में गुणा करते, ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 22,338, 22,338, ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आए होंगे, यदि समझ में आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।